इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैं समझ गई सर, इस बार आप जॉब कर दीजिए, जब आप बुलाएंगे उस टाइम आ जाऊंगी। और सर यहाँ ऑफिस में कोई आपका पर्सनल रूम नहीं है क्या? सेट डाउन। सर मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, ये मेरा रिज्यूम। गुड, क्वालिफिकेशन तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है कि मैं आपको जॉब पे रखूं? सर मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल का, और काफी जगह जॉब भी की है। वैसे जिस प्रोफाइल के लिए मुझे कैंडिडेट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं तो मैं आपको जॉब दे सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि आप सैलरी कितनी चाहती हैं? सर 20-25 के अराउंड। बस सैलरी तो मैं तुम्हें 40,000-50,000 या इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना। मैं समझ गई सर मुझे क्या करना है। तो इंटरव्यू शुरू करें? वाई नॉट। सर आपसे मैं शादी भी कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार आप जॉब तो दीजिए, जब आप बुलाएंगे उस टाइम आ जाऊंगी। Good. आपका पूरा ध्यान रखूंगी, बस एक बार मुझे ये जॉब दे दीजिए। एक काम करो, इसे भी दिखा दो। सर ये, और सर यहाँ ऑफिस में कोई आपका पर्सनल रूम नहीं है क्या? पहनो से। और सर हुआ क्या? पहनो से। आपने तो कहा उतारने के लिए। पता तुम इतनी गिर गई कि एक जॉब पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी कि अपनी मान मर्यादा सम्मान सब कुछ बेच दिया तुमने। तुम जैसी बेगैरत लड़की की वजह से असली टैलेंट इंसान का खो गया है। और सर हुआ कि आपने तो कहा था कि इसको निकालो, और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मतलब एक जॉब के लिए तुम इतना गिर सकती हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने बोला कि मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, तो सर मुझे जॉब की नीड थी इसीलिए। जॉब की नीड थी तो तुम ये गलत हरकत करोगी, ये रास्ता अपनाओगी? तुम जैसी लड़की की वजह से जिसके अंदर टैलेंट होता है, हुनर होता है, वो पीछे खड़े रहते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। इस कंपनी का इतना नाम है, ये नंबर 1 पे आते शहर में। अगर तुम जैसे एम्प्लॉय इस कंपनी में रहेंगे तो क्या रेपुटेशन रहेगी? जिस कंपनी के साथ में डील होती है, अगर वहां पर भी जाकर तुमने ऐसा ही हरकत की, क्या रेपुटेशन रह जाएगी? मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय कंपनी में तो क्या कंपनी के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है कंपनी में। गेट अप। आई सेड गेट अप। सर मेरी बात तो सुनिए,